अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अली, तुसीं वेख रहे हो उस्मान वेली ब्लॉग। इस ब्लॉग दे विच है मेरी पहली वीडियो है। इस पहली वीडियो दे विच मैं तुहानूं आपदा इंट्रोडक्शन करावांगा। मैं नवा नवा चैनल बनाया है, प्लीज़ इस चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब लाजमी करो ताकि तुहाडे तक नवी नवी वीडियो दा नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द पहुँच सके। चलदे हां वीडियो नूं शुरू करदे हां। मैं पहाड़े दे करीब एक छोटा जिहा पिंड है छेवाना जिथे रहना। इतों के लोग ज़्यादातर काश्तकार ने, मैं भी जिमीदार हाँ, काश्तकारी करना, खेतीबाड़ी करना। असी 100 एकड़ के करीब साडा रकबा है जिंदी असी काश्तकारी करते हैं। तो इस पिंड दे विच सब तो वड्डे जिमीदार असी हाँ। लोग जोड़े छोटे मोटे जिमीदार करते हैं, जोड़े हूँ जिमीदार स्टार्ट कर रहे हैं जिमीदार, वो साडे कोल आके मशवरा लेंदे ने भी कि खाद असी यूज़ करिए, दवाई यूज़ करिए, सानू फसल ज़्यादा तो ज़्यादा मुनाफा। मशवरा करके फिर असी उन्होंने दसी दें भी तुम यह चीज़ यूज करो, यह इस्तेमाल करो, तुहानू ज़्यादा मुनाफा आएगा। क्योंकि असी मैं जिहड़ा 14 साल तो जिमीदारा कर रहा, मेरे अबू कर रहे ने 40 साल तो जिमीदारा, असी सारे जिमीदार लोग हैं इत इस पिंड दे, ते सानू सारा पता है भी कि फसल किवें उगाई जा सकती है, केड़ी किवें नहीं उगाई जा सकती, ते सारा दवाइयां दे बारे च पता है सानू, केड़ी पानी चाहिए टाइम ते केड़ी नहीं पानी चाहिए। ते इस इलाके दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ियां फसलां लगदियां ने उन्होंने बारे मैं तुहानू दस देवां। इस इलाके दे विच ज़्यादा चावल, गंदम, मकई, गन्ना, गन्ने नू कमाद भी आख्या जांदा है जनाब, तिल, आलू, सब्जी, हर सब्जी उगाई जाती है इस इलाके दे विच। फिर जनाब फल उगाए जाते हैं, मतलब खरबूजा, अमरूदा के फल है, बागात है, इतने बाग है। फिर जनाब इतने माल्टियां के बाग है, किन्नू, फलूटर वगैरह हर चीज़ उगाई जाती है। तो सारे लोग साढ़े को आके मशवरा लेंदे ने। मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि जेड़ा मैं असी लोगों इतने दसते हाँ भी तुम यह फसल उगाओ, यह तुहानू मुनाफा होगा, यह फसल लगा तुहानू इन्ना मुनाफा होगा। तो जिहड़ा तुहाडे जो जिमीदार बनना चाहता है उन्हां वास्ते चैनल है कि तुहानू जिन्नी समझ नहीं आ रही, जिहड़ा नवा जिमीदार है उन्हें समझ नहीं आ रही, तो वह मेरे नाल राबता कर सकता है। मैं उन्हें दसांगा भी कि खाद यूज़ करनी, कि दवाई यूज़ करनी, तो कि अच्छी फसल तुहानू अच्छा मुनाफा दे देंगी। असी जनाब ते साल विच 3 फसलां बीजी दियां ने, उगाई दियां ने 3 फसलां, ज़्यादातर मकई, आलू ते चावल, ये ज़्यादातर 3 फसलां असी उगाई दियां ने। जिहड़ियां असी ज़्यादा बीजी दियां ने, बीजी दियां ते असी फसलां ज़्यादा ने, मतलब कपास, गन्ना, चावल, गंदम, जवार, फिर जनाब तिल, आलू, हर सब्जी असी बीजी दी है। तो चैनल बनाने का मकसद ये कि तुहाडे तक पिंड की हर गल तुहाडे तक पिंड की पहुँचाई जा सके, हर वो गल जिंदे द्वारे जो तुसी नहीं जानते, जिंदे बारे तुसी पूछना चाहते थे मैनू दसो, मैं तुहानू इस पिंड के बारे हर वो गल दसांगा जिहड़ी जिहड़ी गल तुसी नहीं जानते। जे हुण मौसम आ रहा है चावल का, तो पनीरी, चावल की पनीरी होंदी है जनाब, पनीरी उगाई जाती है, तो असी वो उगानी है आज तो 4-5 दिन बाद, तुहानू उंदी वीडियो भी बना के विखावांगे किवें पनीरी उगाई जाती है, फिर पनीरी नू पट के किवें मूंजी उगाई जाती है, सारा प्रोसीजर तुहानू दस्सिया जाएगा। हुण इस टाइम असी गंदम कट लईए, गंदम तो बाद चावल लगते हैं, चावल तो बाद आलू लगते, गंदम कट लईए असी, तो गंदम कटन तो बाद जनाब असी हुण पनीरी उगावांगे, पनीरी उगाने के बाद चावल उगाए जाएंगे। गंदम इत्थे सारी तकरीबन कटी गई जा चुकी है, कुछ घर ने जिन्हां दी गंदम रह गई है तो वह भी इंशाल्लाह 2-3 दिनों तक कटी जाएगी। मौसम आ गया हुण जनाब, आज तो 10 दिन बाद असी मकई नूं भी हाथ ला देना है, मकई भी वढ़न लग पैना है, छलियाँ जिन्ना छलियाँ जेडे छलियाँ असी लानियाँ ने, फिर उन्होंने सुकाना, फिर उन्होंने छलियाँ तो गुल लैदा करने, गुली लैदा करनी, दाने लैदा करने, फिर उन्होंने मंडी ते लैके जाना सुका के,
ਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ।